नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा दत्ता, आपकी किस्मत का हाल लेकर आ गए हैं किस्मत कनेक्शन में। तो किस्मत कनेक्शन में आपको आपकी किस्मत का हाल बताने वाले हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं और एक बेहतरीन कहानी भी आपको सुनाने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सीमा मिद्धा, लाइफ डिजाइनर, विश्वविख्यात टैरो एक्सपर्ट मौजूद हैं बताने के लिए आपको आपके तमाम सवालों के जवाब। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो डॉक्टर सीमा आज यहाँ पर है, आप भी जल्दी से ये कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो जुड़ सकते हैं, अपने अपने सवालों के जवाब आपको जरूर यहाँ पर इसी कार्यक्रम में डॉक्टर सीमा देने वाली है आज का दिन। लेकिन डॉक्टर सीमा कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं सबसे पहले। बिल्कुल, स्पेशली जिनका जन्मदिन है उनके लिए और सबको जिनका जन्मदिन है, हमारी ओर से हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसा रहने वाला है जन्मदिन आपका और क्या करना चाहिए आज आपको जन्मदिन पे खास, आपको ये देख लेती हूँ कार्ड क्या कहते हैं। आज तो रिजल्ट आपके पॉजिटिव आने वाले हैं, अच्छी एनर्जी बना के चलिए, एक्साइटमेंट रहने वाला है, आज पूरा दिन छा जाने वाले हैं। पर अधिकतर खर्चों से बचना होगा, लोगों से गिफ्ट लेना होगा, लोगों को गिफ्ट देना नहीं है ये याद रखना होगा। तो आज बर्थडे है, गिफ्ट्स लीजिए आप बहुत सारे, पैसे खर्च ज्यादा मत कीजिएगा, ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं। लेकिन आप एक स्टार की तरह रॉक जरूर करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक है फोन लाइन पर सिरसा से, श्यामलाल जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? श्यामलाल जी आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो जी, जी। श्यामलाल जी बोलिए। हाँ, मेरा जन्म जी 26 है 1996 जी। तो उसकी जॉब के बारे में पूछा जाता है, करता मैं जाइए। अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये लगता है कि उनकी जॉब बहुत जल्दी लगने वाली है, स्पेशली अभी उनका बर्थडे आने वाला है तो उनको अच्छी जॉब उनके हाथ में जरूर होगी। यहाँ पे कार्ड देख लेती हूँ कि उनको जॉब कब तक मिलेगी और आगे उनका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। तो जॉब के सिचुएशंस में ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन ना लगाएं, कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, उनको जल्दी जॉब मिलेगी। जिस तरीके से उसके लिए इंटरव्यू करना है, काम करना है, फॉर्म भरने हैं, अप्लाई करना है, वो सब कर दें, बाकी सब चीजें भगवान पे छोड़ दें, विश्वास रखें आपके बेटे का काम जरूर होगा। तो आपके बेटे का काम होने वाला है, बर्थडे आने वाला है, इसकी खुशी तो है ही, इसी के अलावा ये भी खुशी होगी कि अब आपके बेटे को नौकरी भी मिल जाएगी जैसा कि आप चाहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एक और दर्शक भी है फोन लाइन पे, आपका सवाल क्या है बताइए। हेलो जी, हाँ जी मैम, मेरा नाम पूनम है। जी पूनम, हाँ जी मैम, मुझे अपनी शादी के लिए जानना है कि कब होगी। पूनम अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए। 28 नवम्बर 1990। 28 नवम्बर 1990, पहली बात इतनी ज्यादा देर नहीं हुई है, ज्यादा चिंतित ना हो, वैसे आपकी शादी का डेट ऑफ बर्थ में आता है, देर से ही होगी, लेकिन ये साल आपके लिए शादी होगी इस साल में और शादी के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा, देख लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपने लेफ्ट हैंड में एक चांदी का कड़ा पहने, उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपके बनते बनते काम जो रुक रहे हैं वो बन जाएंगे। और आपकी शादी इस साल होगी या अगले साल होगी, तो इस साल के लिए कार्ड पॉजिटिव आया है, अपनी शादी के लिए आपके बर्थडे के बाद, आपकी उससे पहले रिश्ता पक्का होएगा और उसके बाद शादी हो जाएगी, फिर भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चले तो चिंता मत कीजिए, तैयारियां आप शादी की करना शुरू कर दीजिए क्योंकि डॉक्टर सीमा ने आपको बता दिया है कि शादी के योग बन रहा है। आप चांदी का कड़ा जरूर अपने लेफ्ट हैंड में पहनिएगा, ये उपाय जरूर कीजिएगा, देखिए फिर कैसे बदलाव होता है। हमारे साथ यमुनानगर से इस वक्त एक दर्शक है जोगिंदर कौर, क्या पूछना चाहती हैं आप? जोगिंदर जी, जी अपना सवाल और नाम डेट ऑफ बर्थ के साथ बताएं। जोगिंदर जी आप सुन रहे हैं मुझे? चलो शायद टीवी सुन के बात करने की, टीवी बंद कर दीजिए जोगिंदर जी, फोन के जरिए बात कीजिए। मेरा जन्म स्थान है अम्बाला सीतपुर जी, अम्बाला सीतपुर जन्म स्थान है जी। हाँ जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका सवाल बताएं।
चले जोगिंदर, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। टीवी की आवाज सुनकर जो भी दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे उनके सवालों के जवाब यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप टीवी को सुनते हैं, आप हमारे जो डेट ऑफ बर्थ डॉक्टर सीमा को चाहिए वो आप उसका जवाब नहीं देते हैं, आप अपना सवाल भी नहीं बताते, लेकिन आप अपनी आवाज टीवी में सुनने में ज्यादा व्यस्त नजर आते हैं। तो फोन करिए, हमें सवालों के जवाब जरूर डॉक्टर सीमा यहाँ पे देंगी, लेकिन टीवी की आवाज आपको भी बंद करनी होगी और तभी आपको कोई समाधान मिल पाएगा आपके तमाम सवालों का। डॉक्टर सीमा, बहुत बार देखते हैं कि जब कोई भी दर्शक होते हैं या कोई भी इंसान होता है, उनको प्रॉब्लम्स चल रही होती है लाइफ में, लेकिन छोटे छोटे उपाय बहुत मदद करता है जिंदगी में उन प्रॉब्लम्स से पार पाने के लिए। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम जो होती है वो आपके खुद की सोच में होती है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। पहली बात, अपने आप पे विश्वास रखें, फेथ रखें, और जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में एक विजन बनाएं, उसके बारे में प्लानिंग करें, सोचें, और उसको सोच को आप एक व्हाइट पेपर पे रेड पेन से लिख दें कि आपको ये करना है, ये आपका उद्देश्य है। और जब आपके पास उद्देश्य होगा आप उस पर क्रियान्वयन करने लगते हैं, और जब क्रियान्वयन करने लगते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए माध्यम तो चूज करना होगा, चाहे आप ऑटो से जाएं, चाहे गाड़ी से जाएं, चाहे प्लेन से जाएं, बस से जाएं, रेल से जाएं, लेकिन डेस्टिनेशन पे तभी पहुंचेंगे जब आप रेल में बैठेंगे, तभी जा पाएंगे। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में होता है, छोटी छोटी इश्यूज जो होते हैं, अगर आपको करना, जैसे अब शादी की बात हो रही थी, करना है तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, पहले रिश्ता भी ढूंढना पड़ेगा, लड़का भी ढूंढना पड़ेगा, उसकी तैयारियां भी करनी पड़ेंगी, तो ही आपका जो मुद्दा है, वो इश्यू है, जो फुलफिल होता है। और इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आप फुलफिल कर सकते हैं, बस करना है सिर्फ संकल्प। बिल्कुल, तो ये संकल्प आप भी कर लीजिए कि डॉक्टर सीमा जो आपको मैसेज देने की कोशिश करती हैं हमेशा हमेशा आपको ये कहते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है लाइफ में, वो एनर्जीज आप में ही हैं, आपको बस उन्हें तराशना है, ढूंढना है, तो वो मैसेज पर अमल जरूर आप कीजिए, तभी आपकी लाइफ और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक जुड़ गई है, प्रीति क्या पूछना चाहते हैं? कृति हमारे साथ है इस वक्त। कृति, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग कृति, बताइए अपना सवाल। मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1991। जी, आपका सवाल। जी मैडम, मेरा सवाल ये कि मैंने ना एक पेपर दिया था, एग्जाम दिया था बीए का ना, तो मैडम उस पेपर में मेरी डी आ गई, तो अब वो पेपर हमारा दोबारा चेक होके आएगा 3 महीने में, तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा? जो आपने रीचेकिंग के लिए भेजा है उसका क्या नतीजा होगा, आपके पक्ष में होगा, मार्क्स बढ़ेंगे, क्या होगा ये देख लेती हूँ। और आपको इसका लाभ मिलेगा, मुझे लगता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में टाइम जो चल रहा है वो लाभ का ही चल रहा है, तो आपको लाभ पक्का मिलेगा। यहाँ पे आपके रीचेकिंग के लिए पैसे जरूर लगे होंगे, लेकिन गारंटीड से आपका जो रीचेकिंग होके पेपर आएगा तो बहुत अच्छा होगा। आपको विश्वास रखना होगा, दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, आपके आंसर्स भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे। चलिए, तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलने वाला है कृति, आपको चिंता नहीं करनी, आपने रीचेकिंग के लिए आपने पेपर फिल कर दिया है और उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। और आशावान रहना होगा, ये सोच के चले कि आपका पॉजिटिव ही होगा और कुछ भी मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। चलिए, तो होपफुल आपको इसके लिए जरूर रहना है। डॉक्टर सीमा, हम देखते हैं रिजल्ट्स आते हैं, बच्चे परेशान ज्यादा हो जाते हैं, 85% भी आ जाते तो उन्हें लगता है कि बहुत कम मार्क्स उनके आए हैं। जी, तो मुझे ये लगता है कि चाहे कितने भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरी बडी इज सेटिंग देयर टारगेट फॉर सम कॉलेज, एग्जैक्टली, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने 4 कॉलेज सोचे हैं उसमें से 1 कॉलेज में नहीं होगा, ऐसा होता है, लेकिन ये भी बात पक्की है कि अगर मार्क्स कम आए हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अभी हम ये बोल रहे थे कि हर चीज जो आपकी लाइफ में होती है उसको एक सेट पॉजिटिव फ्रेम से देखना चालू करें। जो आपने फ्रेम बनाया है कि मैं यानी जो लोग ड्रीम देखते हैं कि अगर जो 99% वाले बच्चे या 98% वाले बच्चे हैं वहां जाने के लिए, तो उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी होगी। मैं बच्चों को दो ही बात बोलती हूँ, अगर आपको साइन करने वाला बनना है तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, अगर साइन कराने वाला बनना है तो आप अभी मेहनत ना करें, टाइम अपना वेस्ट करते रहे, इधर उधर जाया करते रहे। तो ये आपको चुनना है कि आपको साइन करने वाला बनना है या साइन कराने वाला बनना है। और उसके लिए अगर आपने पहले मेहनत की है तो आपको पहले फायदा हो जाएगा, अगर नहीं मेहनत की या जो वक्त आपको जिस टाइम के लिए दिया गया है उस वक्त में आप उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल। और ये भी बात पक्की है कि हो सकता है आपका दूसरे कॉलेज में जाना लिखा ही नहीं, इसलिए आप मेहनत नहीं कर रहे। तो जो भी आपको मिला है उसमें खुश रहें और अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा रखें।
मुझे लगता है कि हमारे कंट्री में ऐसे लोग बहुत हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट किए हैं, बिल्कुल, और वो भी आज बहुत बुलंदियों पे हैं। एग्जैक्टली, तो निराश नहीं होना, इवन पेरेंट्स को भी इस बात को अपने अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना कि उसके बच्चे के मार्क्स ज्यादा हो गए, मेरे बच्चे के कम हो गए। यू नो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे का एग्जाम का रिजल्ट आया, वो मेरे को एक दिन पहले बोल रही थी कि बेटे का रिजल्ट आने वाला है, आप आशीर्वाद करें, और अगले दिन से वो मेरा नंबर पूछने के लिए मैं फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। मुझे लगता है कि वो भी निराश हो गई शायद कि उसके बच्चे के मार्क्स कम आए होंगे। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी बहुत कुछ है, और उसको भी मैं दूसरी बार मैंने कॉल किया, संतावना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा आगे बहुत अच्छा करने वाला है, बिकॉज मेरे को उसके बच्चे की टैलेंट पता है, जो कि एज ए मदर भी उसको नहीं पता। एग्जैक्टली, क्योंकि डॉक्टर सीमा यहाँ पे बहुत कुछ जानती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे डॉक्टर सीमा लगती है, जो आप मैसेज देती है दर्शकों को, जो पॉजिटिविटी उनमें आप फिल करने की कोशिश करते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव है तो सब कुछ अच्छा जरूर आपकी लाइफ में होगा, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। प्रदीप हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक है, उनसे भी उनका सवाल जान लेते हैं। प्रदीप जी बोलिए। मैडम, मेरी 24 अगस्त 1984 है मेरा जन्म डेट जी। मैडम, मैं एक ना लड़की से प्यार करता हूँ, वो शादीशुदा है जी, तो वो अपने पति से दुखी है, तो मेरे साथ रहना चाहती है जी, और तो उसका ना तो कोई भाई है ना बाप है, तो एक माँ है, तो वो बीमार है, तो उसकी कोई मदद नहीं करता, तो क्या मेरी शादी हो सकती है जिससे? आपकी शादी हो गई? मेरी शादी हो गई थी, तो तलाक हो गया मेरा तो। ओके, पहली चीज, उस लड़की की डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? डेट ऑफ बर्थ नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ नाम मीनाक्षी, नाम मीनाक्षी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ के बिना हम उसके बारे में उतनी ये नहीं बता सकते कि वाकई में जो प्रेजेंट कर रही है वो सही प्रेजेंट कर रही है। देखिए प्रदीप जी, मैं ये कहूंगी कि किसी से प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार आप इंसान से कर रहे हैं, और किसी इंसान की स्थिति को समझते हुए आप उसके प्रति सिंपैथी रखते हैं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर ट्रूथफुलनेस है तो आपका प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि सामने वाला पर्सन जो है वो प्रिटेंड कर रहा है या खाली शो कर रहा है कि मैं दुखी हूं, पर दुखी नहीं है वो, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ से पता चल सकता है। और दूसरी बात ये कि मैं इस चीज को ये बिल्कुल नहीं कहती, अगर वो अपने घर में चाहे दुखी है या सुखी है, यू नो, एक थर्ड पार्टी एज ए सिंपैथी जरूर दे दे, आप उनकी तरफ जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं रखते रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी लाइफ खराब करें। हो सकता है उसको कहीं ऐसे कहे कि आप एडजस्ट करो, तो उसकी जिंदगी और बेहतर हो, खूबसूरत हो, क्योंकि जो बना बनाया अपना घर तोड़ देता है या किसी का घर तोड़वाता है, कहीं ना कहीं उसका कार्मिक डेप्ट आपके ऊपर चढ़ता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गर्म आपके, आप अपनी तरफ से अच्छा करें और आपके ऊपर उसका बुरा असर हो। तो आप सहायता करें, लेकिन ऐसी सहायता ना करें जिससे आप गलत हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप जो भी फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन फीलिंग्स रखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की लाइफ को खराब करें, तो ये चेक करें, अगली बार आप जब कॉल करें तो डेट ऑफ बर्थ से कॉल करें, सो देट हम बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी उसके साथ हो सकती है या नहीं हो सकती। बिल्कुल, हमारे साथ पमलप्रीत इस वक्त है फोन लाइन पे। पमलप्रीत जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, मैंने एडजस्ट कर रखी है, मेरे 5.5 बैंड आए हैं उसमें जी, और मैं बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री में। मुझे ये पूछना था कि मैं अगर मैं अप्लाई करूँ तो मेरा बन जाएगा कि नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 5 मई 1995। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है? यस यस जी। पहली बात गारंटीड से बोलती हूँ कि आपका जाना निश्चित है, आप जो भी उसके लिए कागजी कार्रवाई है वो कर ले, लेकिन यहाँ पे मैं कार्ड से भी देखना चाहूंगी कि आपका जाना निश्चित है, और यहाँ पे आ रहा है कार्ड पॉजिटिव, तो आपका जाना निश्चित है 100%, आप उसके लिए अप्लाई करें, इसलिए आपके दिमाग में ये बात आई है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ में जिस देश में आपका जन्म हुआ है उस देश में आप परमानेंट नहीं रहने वाली, आप किसी दूसरे कंट्री में रहने वाली है, तो आप तैयारी कीजिए, कागजी कार्रवाई कीजिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस उद्देश्य के लिए। चले पवलप्रीत, बहुत तैयारियां आपको करनी होंगी क्योंकि बाहर जाने वाली हैं आप, आपके कार्ड्स तो यही बता रहे हैं और डॉक्टर सीमा यही बता रही हैं, तो यानी कि हाल फिलहाल में तैयारियां आप शुरू कर दीजिए, और उसके बाद बहुत ही जल्दी आपका ये सपना साकार होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए किस्मत कनेक्शन में रुक रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी आपके लिए बहुत कुछ खास है और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी भी डॉक्टर सीमा ब्रेक के उस पार सुनाएंगे, बने रहिए। खेतों में खुशहाली लाए, रोपा राए, घर घर
चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद, श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call... कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छू मंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देगा। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। अब अपने स्टाइल में इवेंट सेलिब्रेट करें, खुद ग्रीटिंग्स कार्ड, गिफ्ट रैपर्स और लेबल्स डिजाइन करना सीखें HSCIT में। थैंक यू HSCIT। HSCIT हरियाणा स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स। किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहानी भी आपको आज की सुनाने वाले हैं अब से कुछ ही देर बाद, आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर सीमा। लेकिन आज की कहानी में क्या खास दर्शकों के लिए होने वाला है? बिल्कुल, वो खास ये है कि अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखें। जिस तरह से हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसी से रिलेटेड कहानी है। हाँ। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, तब तक अगर कॉलर है तो ले लेते। वो कहानी सुनाएंगे, लेकिन भरत के पहले सवाल का जवाब देते हैं। भरत जी बताइए क्या सवाल है? हाँ जी मैडम, जॉब के बारे पूछना चाहते हैं जी। जॉब के बारे पूछना चाहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं भरत जी। 24 अगस्त 1996। 24 अगस्त 1994। 96। तो जॉब कब मिलेगी ये पूछना चाहते हो? हाँ जी। तो कार्ड देख लेती हूँ, डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है गुड चेंज का पीरियड, एंड ये चेंज जो है वो आपको बेहतरी की दिशा में लेके जा रहा है। अब आप परमानेंट सेटलमेंट की तरफ भी जाने वाले हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा, जॉब मिलेगी जल्दी। आने वाले 3 महीनों में आपके पास एक स्टेबल जॉब भी होगी और अच्छी जॉब होगी, आप सेलिब्रेट करेंगे, खुश रहेंगे। कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है तो आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना है, अपने काम में जिस भी काम में जाएं इंटेलिजेंट बहुत हैं, ईगो ना लाएं और चेंज ना करें, स्टेबिलिटी रखें,
तो आपके काम में बहुत बढ़ोतरी और तरक्की होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत बार देखते भी हम डॉक्टर सीमा, जॉब मिल जाती है हमें, उसके बाद कुछ समय होता है तो हमें बहुत ज्यादा ईगो आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है, और फिर वो काम खराब कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जहाँ पे भी नियुक्त किया गया है उसी जगह में आप अपने क्रिएटिव आइडिया से काम करते रहें, बस फिर आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। और इंतजार खत्म करते हैं, आज की कहानी क्या है डॉक्टर सीमा? बिल्कुल, एक महात्मा जी थे, उनके पास बहुत सुंदर बगीचा था, उन्होंने बहुत तरह के पेड़ पौधे लगा रखे थे, थोड़ा वनस्पतिक ज्ञान था उसको, वो मेडिसिन के लिए भी यूज करते थे और फूलों फलों से लदा हुआ था। और एक दिन अचानक उनको कहीं थोड़े दिन के लिए जाना पड़ा, एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। सब फूल पौधे पेड़ बड़े ही लहरा रहे थे जब वो छोड़ के, और जब वो वापस आए तो बड़ा देखकर उनको दुख हुआ कि सारे पौधे मुरझा गए हैं और कोई भी पौधा सीधा नहीं खड़ा है, कोई भी मतलब बड़े पेड़ को देख लो चाहे छोटे पेड़ को देख लो, सब मुरझा गए हैं। तो बड़ा ही दुख हुआ उनको, और एक एक पौधे के पास जाकर उनका हालचाल पूछने के लिए गए, क्योंकि वो उनको रिश्ता मानते थे, बड़े दिल से विल से वो बीज लगा के लेकर सींचने से लेकर और बड़े पौधे तक करने तक अपने बच्चों की तरह उनको पौधों को पाला करते थे। तो बड़े पेड़ के पास गए तो उन्होंने एक पेड़ के पास खड़े हुए पूछा कि भाई आप क्यों मुरझा गए, क्या हुआ? मैं इसलिए मुरझा गया क्योंकि मैं देवदार के पेड़ के जितना लंबा नहीं हूं। उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा तो देवदार के पेड़ को वो भी रो रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं अंगूर के बेल की तरह फल नहीं दे सकता। जब वो अंगूर के पौधे के पास जाते हैं तो क्या अंगूर का पौधा भी वैसे ही रो रहा है, वो ये कहता है कि मैं गुलाब के फूल की तरह, मेरे ऊपर अच्छे सुंदर सुगंधित फूल नहीं लगते। वो आगे गए तो गुलाब के पौधे के पास गए तो गुलाब के पौधे को रोते हुए देखा कि मेरे सुंदर और खुशबू फूल होने का क्या फायदा अगर मेरे अंदर कांटे लगे हैं और मुझे लोग कांटों को की वजह से देखते नहीं है। लेकिन थोड़ा आगे चले और एक छोटा नन्ना पौधा मुस्कुराता हुआ, खिला हुआ और बेहद ही एनर्जी से फुल अच्छे तरीके से वहां पे खड़ा हुआ है और बिल्कुल भी नहीं मुरझाया हुआ। तो पूछा, भाई सब तो इतने खराब हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं, कष्ट में हो चुके हैं, पर तुम तो सीधे खड़े हो, पर तुम तो उतने बड़े भी नहीं हो। तो वो छोटा पौधा, नन्हे पौधे ने ये जवाब दिया कि मैं इतना जानता हूं, मैं चाहे छोटा हूं लेकिन मेरे मालिक ने मुझे लगाया है तो किसी उद्देश्य से लगाया होगा, और उस उद्देश्य के प्रति मैं इसी बात से खुश हूं कि मैं इतनी बड़ी इतनी सुंदर बगिया का एक छोटा सा हिस्सा हूं। हाँ। तो दोस्तों, आप परिवार में किसी के परिवार के हिस्से हो तो भी आपको खुश रहना चाहिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा है चाहे छोटा है या बड़ा है तो भी आपको खुश रहना चाहिए। तो उस नन्हे पौधे से मैंने ये सीखा कि वो अपनी तुलना बड़े पौधों से नहीं कर रहा था, वो अपनी छोटे में ही संतुष्ट था लेकिन उस बड़ी बगिया का हिस्सा बन के भी खुश था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप दे सकते हैं वो दे दें, लेकिन आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जैसे एक सुई छोटी सी होती है लेकिन वो जोड़ने का काम करती है, ऐसे ही आप खुश रहकर दूसरों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा आपका इस बेहतरीन कहानी के लिए। तो खुश आपको रहना होगा क्योंकि आप में ही वो शक्तियां हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए क्योंकि आप ही बेस्ट हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यही सोच के आप जिंदगी में चले, बहुत सक्सेसफुल होंगे। इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में इतना ही, नमस्कार।